Hey guys, welcome to my new video. आज हमारे राम कथा चल रहा है गाड़ी खाना में आया है ना राम कथा चल रहा है गाड़ी खाना में आया है हाँ इधर मम्मी बैठा है राम कथा चल रहा है गाड़ी खाना में आया है रियान सो गया आज सैटरडे है ना तो मेरा स्कूल बंद है तो मैं आ पाई हाँ रियान सो रहा है तो हम उधर बैठा है जाएगा अंदर में घुसे जा तो थोड़ा रेस्ट के लिए इधर बैठा है इधर गाड़ी पार्किंग है देख लीजिए आप राम को राम के साथ आप लोग भी सुन लीजिए हाँ इधर अंदर में हो रहा है ऊपर में हो रहा है और कितना सुंदर मंदिर है मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है इधर आने का वो तो चूड़ा बहुत अच्छा लगा रही हाँ भगवान का चूड़ा कितना खूबसूरत मंदिर बनाया ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पे दुर्गा पूजा होता है पूरा पूजा के टाइम पे एकदम पूरा पैंडल सजता है बहुत बड़ा पूजा होता है बहुत हम लोग आते हैं अच्छा लगता है इसे बैठ है कितना बड़ा मतलब ये है स्पेस है और बहुत बढ़िया सजाता है डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है स्पेस होने से अच्छा बन सकती है गेट है गाइस इधर अनाथ आश्रम भी है और इधर पूरा मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बड़ा जगह पर हाँ और इधर आके इतना अच्छा लगा ना इतना वैल्यू दिया हम लोगों को मुझे लग रहा है हम यहाँ पहली बार आया है ऐसा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा इधर कीर्तन भी बहुत सुंदर हुआ और बाहर का प्लेस भी मतलब बहुत बड़ा है अच्छा लगा मम्मी इधर जा रहा है और ये सब ये मम्मी सो गया था यहाँ सो गया था तब हम लोग तो गाड़ी में ही लग दिया हम लोग तो गाड़ी में लग दिया हम तो रखा नहीं ना हम बता इधर रखा चलो अंदर चलो अंदर जाएगा बहुत सुंदर है मेरा तो पहला बार है इधर आने का बैलून वैलून लगाया है दुर्गा पूजा में तो आया है ना हमेशा से दुर्गा पूजा में सीढ़ी से उतर रहा है अभी इधर राम कथा चल रहा है और हम लोग आए हैं पापा और मैं पूरा फैमिली आए हैं इधर बहुत अच्छा लग रहा है अंदर परमानेंट कृष्ण मंदिर भी है आप लोगों को अंदर का नज़ारा दिखा देती हूँ देखिए और कुछ सुना है बता दीजिए कनक भवन के दरवाजे पे संत बैठे रहते थे और अपने ध्यान करते रहे बेटा और बहू का ध्यान करते रहते कभी भी क्योंकि हम जाएंगे मेरी बहू है लड़की मेरी बहू है तो पर्दा करेगी अगर राम जी देखेगा ये तो कनक भवन एक उनका कहने का स्थान है माया वहां इंटर क्यों हो गए इस तरीके से समझिए बात को कई दिन बीत गए सुबह सुबह आते बसंत और अपने कनक भवन के दरवाजे बैठ जाते और मिलने वाले सब प्रणाम करके भैया दर्शन कराए हाँ महाराज दर्शन कराए सबसे खुश एक बार अयोध्या के संतों ने कहा कि महाराज ये महात्मा कभी अंदर नहीं जाते हैं अब वो अपना भाव छुपाते नहीं बताते नहीं साधना कभी भी गुप्त नहीं ये किसी को नहीं बताते कि राम जी से मेरा क्या नाता है जानकी जी से
तुम जानत सब